K2Cr2O7, that is potassium dichromate. ठीक, you have to find out the oxidation number of chromium in this. ठीक है बेटे, K2Cr2O7 is a potassium dichromate that is orange in color and it's very good oxidizing agent when it is in sulfuric acid. ठीक है, 12th में इसकी बहुत सारी रिएक्शन करोगे, अभी भी आप इसकी बहुत सारी जब बैलेंसिंग आएंगी तो आपको ऐसा लिखा आएगा बैलेंसिंग में Cr2O7 2 नेगेटिव. जब आप बैलेंसिंग करोगे तो ये चीजें रिडॉक्स में बहुत बारी देखोगे. हम के प्लस आगे शो नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये वाला पार्ट ही इन्वॉल्व होता है, तो पोटेशियम वाला आपको ऐसे ये डाइक्रोमेट आयन ही लिखा आएगा हमेशा. ठीक है, इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, इट विल ऑक्सीडाइज डिफरेंट स्पीशीज. ठीक, इसकी इसलिए क्रोमियम का इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए. ठीक, तो लेट अस अज्यूम x, और ये कितना x है, 2x, बिकॉज देयर इज 2 क्रोमियम. 1 पोटेशियम का कितना होता है बेटे, प्लस 1, तो 2 पोटेशियम प्लस 2, 1 ऑक्सीजन माइनस 2. ठीक, एंड 7 ऑक्सीजन इज माइनस 14, 0. ओके, सो इट विल बी हाउ मच, 2x plus 12 इज इक्वल टू 0, 2x. ठीक है, सॉरी, 12x विल बी 12/2 इज इक्वल टू प्लस 6, एंड यू हैव टू मेंशन प्लस 6 माइनस 6 प्लस 4 प्लस लगाना एग्जाम में जरूरी होगा, बट नाउ इट इज एमसीक्यू अगेन, सो यू आर अगेन सेफ. ठीक है, सो दिस प्लस 6, हमेशा इसका प्लस 6 याद रहना चाहिए हमेशा. और ये जब ऑक्सीडाइज, ये खुद जब रिड्यूस होगा, आप देखोगे जनरली रिएक्शन में Cr3 पॉजिटिव बनेगा एंड प्रोडक्ट. खुद पॉजिटिव 6 में है बेटे, जब क्योंकि अगर ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो भी हम आगे अभी रिएक्शन करेंगे, आज ही स्टार्ट हो जाएगी शायद, तो आप ये देखोगे एंड में ये जो चीज बनेगी इससे Cr3 पॉजिटिव बनेगा और इट विल कंटिन्यू टिल 12th स्टैंडर्ड इन डी ब्लॉक. गेटिंग माय पॉइंट, KMnO4 कर लिया था हमने. फिर लिखो बेटे फॉस्फोरिक एसिड, हरी अप. फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का निकाल लो, हरी अप. H3PO4 is a phosphoric acid. H3PO3 is phosphorus acid. दोनों में phosphorus का oxidation number निकालो. चलो, this P. ऊपर वाला phosphoric acid, नीचे वाला phosphorus acid. -8 + 3 = 5. -6 + 3, जल्दी निकालो. फॉस्फोरस इसका नीचे वाला, यस, -6 + 3. सीधी बात, इतना क्या, ऑक्सीजन -3 यहां +3. जल्दी जल्दी करो, शार्प हो जाओ फटाफट. नाउ राइट बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का, हरी आप ड्रिलिंग करो जितनी कर सकते हो. सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का -8 + 2 = 6. ठीक है, जिसको कंसेप्ट समझ नहीं आया देख, ही और शी कैन आस्क. सोडियम सल्फेट में सल्फर, हरी आप. सोडियम सल्फेट में सल्फर, सोडियम सल्फेट में सल्फर. अगर इसका फॉर्मूला पूछा ना, मैंने 9th क्लास में बिठा देना है. सोडियम क्या है, सल्फेट क्या है, ऊपर क्या चार्ज होता है, NA2SO4, सोडियम सल्फेट.
अब बेटे हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में देखें। देखो दिस इज ऑफ क्लास 12th, ये फॉर्मूला राइटिंग, इसे कहते हैं बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका नेम बोलूं तो मैं बोलूंगी हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनाइडोफिरेट, ठीक है। दिस इज हेक्सा, 6CN लगे हुए हैं, ठीक है, 6CN वी विल बी डूइंग इन क्लास 12th। ये होते हैं बेटे लिगेंड्स, ये होते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जब आप डीए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर आएगा क्लास 12th में, तब यही सबका इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम बारी बारी निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होता है जी, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना बेटे, उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें आके ना कुछ ऐसे लिगेंड्स आके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जैसे सी एन, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठे हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता था, हाँ, एक ही एटम, एक ही ग्रुप ऑफ एटम या एक ही एटम, जैसे कि अमोनिया में आपको एग्जांपल करवाई जाती है कि अमोनिया अपने लोन पेयर एच प्लस को देता है, मगर वो शेयर कर रहा होता है, तब कि शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ओनली वन एटम। इन द सेम वे दीज 6 cyanide आर लिंक्ड टू आयरन by giving their electrons in their d orbital by forming a coordinate bond, kuch is way mein, ye aise ye 6 lage honge octahedrally, ठीक है। ये 6 के 6 cyanide कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। एक cyanide के ऊपर बेटे -1 चार्ज होता है, ठीक है, एक cyanide के ऊपर, दिस इज cyanide लिगेंड। मगर जब इसको नेमिंग में करते हो तो cyanido बोलते हो, क्या बोलते हो, cyanido, तो इसका नेम है hexacyanido, और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है वो आपको हम बाद बताएंगे, इट इज नोन एज सिरेट, नेम ये हेक्सासाइनोड सिरेट 3 इज अ, आई विल टेल यू ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालोगे आप आयरन का, 3 आएगा, ठीक है, वो रोमन वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक। अब समझो बेटे 6CN है, हर CN का -6 चार्ज है, ठीक है, हमने आयरन का निकालना है, तो आयरन का हमने एक्स अज्यूम कर लिया, 6 cyanide का -6 हो गया, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, -3 चार्ज, तो इफ यू विल फाइंड आउट यू विल बी एक्स -6 -3, तो एक्स विल बी +3, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इजियर जो ट्रिक से निकालते हैं बच्चे, 6 cyanide लगे हैं, 3 negative चार्ज है, 3 negative से 3 positive कैंसल आउट हो गया होगा, तो तभी 3 negative आया होगा ऊपर, गेटिंग माई पॉइंट, 1 cyanide का 3 negative है, 6 cyanide लगे हैं, 6 का 6 negative हुआ, 1 iron का 3 positive है, तो 3 positive और 6 negative कितना हो गया, 3 negative, ऊपर तो ही कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 negative चार्ज है, ठीक है, समझ आ गई है। अगर इसी को मैं इस तरह लिख दूं तब भी यही चार्ज आएगा। अब मैं ये बोलूं कि इसमें ये 3 negative हटा के और मैं यहां पोटेशियम ऐड कर दूं,
अब आयरन का निकाल लो। अब इसका नेम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट। अब आयरन का निकालो। इफ यहां पे मैंने पोटेशियम लगा दिए तीन, अब बी थ्री मैंने नेगेटिव चार्ज को तो काउंटर बैलेंस किया और क्या किया बेटे, पोटेशियम काउंटर आयंस होते हैं, दीज आर काउंटर आयंस। ठीक है, दीज आर काउंटर आयंस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करते हैं। अगर थ्री नेगेटिव चार्ज है तो थ्री पॉजिटिव चीजें आंगी, पोटेशियम थ्री पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे एक एल्युमिनियम भी लेके आ सकती थी, एक हाइड्रोजन भी लेके आ जाओ, डिपेंडिंग है वो चार्ज कौन सा शो करेगा। वो बेटे आयोनाइज नहीं करेगा, आयनिक बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जनरली इट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस इतनी जल्दी नहीं होती उससे। काउंटर आयन होते हैं जो काउंटर आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज है। ठीक है, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव, जैसे आप सॉल्ट कैसे बनाते हो अकेले, जैसे सोडियम सल्फेट कोई भी सॉल्ट है, जैसे अगर मैं MgSO4 क्यों लिखती हूँ, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव है, SO4 भी 2 नेगेटिव है, तो दो पॉजिटिव का चार्ज दो नेगेटिव को कैंसिल आउट कर रहा है। यही अगर मैं MgCl लिखना हो तो मैं MgCl2 लिखूंगी, isn't it? क्योंकि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव है और Cl के ऊपर 1 नेगेटिव है, तो एक 2 पॉजिटिव दो नेगेटिव को बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, तो आपको ये चार्जेस निकालने आने चाहिए। चलो एक और एक कॉम्प्लेक्स लिखो, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। Mn का निकालो, MnO4 नेगेटिव में इज इक्वल टू -1, तो इधर जाके +8। इतने क्यों कर, अच्छा KMnO4 में Mn का निकालो, KMnO4 में Mn का निकालो। चलो हरी अब बेटे, मैंने K ही तो हटाया इसके आगे से। आपको जब KMnO4 रिएक्शन मिक्सचर में मिलेगा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अभी मैंने समझाया पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन मिक्सचर में रिडॉक्स की रिएक्शन में Cr2O7 2 नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा। इन द सेम वे जब आप KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसे, तो हम K वाला पोर्शन नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा। समझ आई? अब जितनी भी बैलेंसिंग करोगे ना आप देखोगे, इन्होंने लिखा होगा MnO4 नेगेटिव, ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाके इट इज ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMn। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्लास +2 में पढ़ेंगे या +1 में भी करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनकी बात करेंगे बारी बारी। ये टिप्स भी हो जाने चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज करोगे आप। अगर आप 10th भी याद करो, एक ही रिएक्शन करते हो, फिर रिमेम्बर अल्कोहल से आप एसिड बना रहे होते हो, एरो के ऊपर यही गिवन होते हैं। थोड़ा याद करो, इसे पेज पे आती है जहां पे आप इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे होते हो और एक एरो बनी होती है जिसके ऊपर K2Cr27 और H+ लिखा होता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। पढ़े भी नहीं थे हम। बहुत अच्छा है, चलो ये आप सुनो, ये टिप्स में बेटे बारी बारी रिपीटेडली हम यूज करेंगे। दीज आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दे गिव नेसेंट ऑक्सीजन।
और जब भी आप इनकी रिएक्शन करोगे, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, जो खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो खुद क्या हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं, अपना त्याग कर रहे हैं, दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपना त्याग कर रहे हैं। तो इससे जनरली बनता है बेटे Mn2 पॉजिटिव। आप रिएक्शन मिक्सचर में देखोगे कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है तो एंड प्रोडक्ट आपका ये आएगा, ये +7 से मैगनीज +2 में चेंज हो जाएगा, और +7 मैगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर है मैगनीज का, हरी आप? ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, चाहे डॉक्स में नहीं हेल्पफुल, ये MCQ में पूछी जाती हैं। व्हाट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैगनीज, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैगनीज, सॉरी व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैगनीज, 25। व्हाट इज द वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ मैगनीज, मैंने वैलेंस शेल पूछी है, जल्दी बोल दो। थ्री टेन हो गया, थ्री डी फाइव, फोर एस टू। मैंने कितनी बारी, आपने आपको ही समझाया ऑनलाइन में, मैंने कितनी बारी बेटे 25 का मतलब क्या है, मैग्नीज 25 है, तो मैंने बोला था 3D5 4S2, सेकेंडियम 21 3D1 4S2, टाइटेनियम 22 3D2 4S2, फिर उसके बाद वेनेडियम 23 3D3 4S2, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन क्रोमियम 3D5 4S1, मैग्नीज 25 3D5 4S2, देन आयरन 26 3D6 4S2, देन आफ्टर आयरन कोबाल्ट 3D7 4S2, फिर निकल 3D8 4S2, 28 के पीछे 3D8, देन कॉपर एक्सेप्शन 3D10 4S1, जिंक 30 3D10 4S2। अब मैग्नीज क्या है, 3D5 4S2, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 7। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा इस टाइम, समझ आ रही है? 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही है इसके, समझ आ रही है? क्रोमियम क्या था हरी, अब क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बोल दो, 3D5 4S1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन K2Cr2O7, अगेन इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, समझ आ रही है? 10th की तरह केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दो, 9th की तरह बिल्कुल ही बंद कर दो, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन 3 मार्क्स वाला, ठीक है? हाँ, हमारे फुल मार्क्स आ गए। अब जितने आप कंसेप्चुलाइज करोगे, अब आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन आना है किसी को नहीं पता, ठीक है? अच्छा, अब निकालो एक और, अगर ये लगाओ, दिस इज हेक्सा एक्वा, वॉटर को इसमें एक्वा कहते हैं, ठीक है, हेक्सा एक्वा, राइट डाउन हेक्सा, 6 वॉटर लगे हुए हैं, हाँ हेक्सा एक्वा, इधर क्रोमियम ही बोलोगे, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, क्रोमियम, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चलो क्रोमियम की निकालोगे, मैं और मुझे चाहिए कैसे निकालोगे, निकालो
मेटल की माइनस थ्री, मेटल कभी माइनस थ्री नहीं हो सकती, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये तो सोच के भी मत लिख के आना पेपर में। वाटर का तो कोई चार्ज ही नहीं बेटे, तो ऊपर ऊपर क्या है, थ्री पॉजिटिव, वो ही क्रोमियम की है, सीधी बात। x प्लस जीरो इज इक्वल टू प्लस थ्री, वाटर का कोई चार्ज नहीं है, वाटर का चार्ज है सिक्स सिक्स सिक्स, तो क्या करना है आपने, वाटर का चार्ज ही नहीं है, तो जो ऊपर चार्ज है वो क्रोमियम का है। अब ये सॉल्व करने वाली चीजें बंद करो, फटाफट करना शुरू करोगे तभी एमसीक्यू होंगे। आगे निकालो सी आर ओ फाइव, फाइव मुझे पता था टेन ही आनी है आपको, हाँ टेन ही आएगी, सही हो आप। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बेटे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब ये टेन नहीं बनेगी, कितना चार्ज होता है परऑक्साइड में बेटे, देखो जब ऑक्सीजन, अब फॉर एग्जांपल मैं ये बनाऊं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में आपको सिखाया जाता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसे परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में समझाया था मैंने शायद, ये परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। अब बेटे इस ऑक्सीजन को तो यही ऑक्सीजन खींच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव माइनस टू चार्ज क्यों होता है, वो एट ए टाइम टू बॉन्ड बनाता है, और जिनके साथ वो टू बॉन्ड बनाता है उनसे इलेक्ट्रॉन खींचता है हमेशा, ठीक है, जैसे कि आप एन ए ओ टू बोलते हो, एन ए टू ओ बोलते हो सोडियम ऑक्साइड, उस टाइम ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, एट ए टाइम दो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, ऑक्सीजन ने दो खींचने हैं अभी, उसकी वैलेंस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड है, जिसके साथ भी लगा होता है उससे दो खींचता है, सिर्फ आपको समझाया गया था फ्लोरीन को ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फ्लोरीन ही उससे खींच सकता है, तो जब वो फ्लोरीन के साथ लगा होता है, लास्ट लेक्चर की बात है, इसमें पॉजिटिव वन या पॉजिटिव टू चार्ज आता है, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड के साथ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव टू और पॉजिटिव वन चार्ज आता है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि फ्लोरीन ही ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ लगी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है मगर फिर भी खींचती है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन टग ऑफ वॉर में जीत जाती है, तो कितनी फ्लोरीन खींच रही है, दो खींच रही है, तो ऑक्सीजन के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। अब इसकी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में देखो, एट ए टाइम इस ऑक्सीजन ने भी दो बॉन्ड बनाए हैं, एट ए टाइम इस ऑक्सीजन ने भी टू बॉन्ड्स बनाए हैं, मगर इस ऑक्सीजन ने एक तरफ हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक तरफ किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन, इससे तो खींच लेगी, इससे नहीं खींचेगी, एक जैसी है, जब एक जैसे एलिमेंट लगे हों वो एक दूसरे से नहीं खींचते, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर होता है, माइनस वन, सेम इज द केस ऑफ दिस, द चार्ज इज माइनस वन, क्योंकि एक तरफ सिमिलर एटम ही लगा हुआ है जिससे आप इलेक्ट्रॉन वो नहीं खींच पाएगी, ठीक, सेम यही केस है, देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये सिमिलर एटम्स हैं, ये दूसरे से नहीं खींच रहे, अगर ये खींच रही है तो सिर्फ ये क्रोमियम से खींच रही है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस वन चार्ज, ठीक है, सिमिलर इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस
वन चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस वन, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस वन। अब ये वाली ऑक्सीजन एट ए टाइम कितने बॉन्ड बना रही है बेटे? दो, तो ये टू इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये तो टू खींच रही है, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? अब निकालो क्रोमियम की, बेटे आप बनाओगे नहीं, अब कौन सा एमसीक्यू आने, आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर है ऐसा। क्या ना, क्या कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे आप? आपको याद ही यहाँ रटने पड़ते हैं, ये स्ट्रक्चर रटने ऐसे दो तीन ही है बस। ऐसे दो तीन रट लोगे, यस दिव्यांशी। मैम चैट ऑन सी पॉजिटिव सिक्स, राइट इन द चैट बॉक्स, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। बेटे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चीज ले रहा है, उससे कोई पॉजिटिव चीज नहीं ले रहा। बेटे ये तो ये माइनस टू, ये क्वाइट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो मेटल है भाई, ये कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाँ तो ऑक्सीजन ही खींचेगा, क्वाइट। राइट डाउन नेक्स्ट, सी टू सी थ्री ओ थ्री ओ टू सी थ्री ओ टू। अब इसका स्ट्रक्चर मैम प्लीज अगेन इट वंस अगेन। जीवितेश जीवितेश, व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन वंस अगेन? ये गलत कहते हैं, सबको ही अलग अलग आना है। देखिए एक्वा हेक्सा वाला, ओके एक्वा हेक्सा, सी बेटे सी क्रोमियम वाटर सिक्स थ्री पॉजिटिव, ओके जीवितेश, दिस वाटर डजंट हैज एनी काइंड ऑफ चार्ज, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्वाइट। और वैसे भी हर एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर डिफरेंट एटम्स का चार्ज निकालोगे तो दे विल कैंसल आउट। अगर एक वाटर में ऑक्सीजन का माइनस टू है और दो हाइड्रोजन का प्लस वन है तो ये माइनस टू प्लस वन विल कैंसल आउट। सो ऑक्सीजन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जीवितेश, ओके सॉरी वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर एक्स का चार्ज निकालोगे प्लस जीरो इज इक्वल टू प्लस थ्री विल बी प्लस थ्री। C3O2, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस वे में है बेटे, फ्रैक्शनल में ही आएगा, यस फ्रैक्शनल में ही आएगा, यू आर राइट। हाँ फ्रैक्शनल में भी आता है, अब ये क्यों आता है वो देखेंगे ना, कितना आ रहा है फिर आपने बताना है क्यों आता है, फिर ये आपसे पूछ सकते हैं किस हाइड्रोजन किस कार्बन पे क्या चार्ज है, ठीक है। अब ये देखो ये कार्बन बीच में है, कार्बन कौन सा मॉलिक्यूल है? टेट्रावेलेंट एटम है, चार बॉन्ड एट ए टाइम बनाता है, वही बना रहा है, इसमें भी फोर बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है बेटे। अब इस टाइम इस कार्बन के अराउंड इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, सेम है, तो इसका तो हो गया जीरो, ठीक है इट इज अ जीरो, टग ऑफ वॉर में कोई नहीं जीत रहा। अब इस कार्बन के इस तरफ डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा,
क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है, कार्बन दे रहा है, तो ये विल बी प्लस टू. सेम इज दिस, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आना. वो क्यों आता है, जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो पता चलता है, इसलिए आता है. समझ आई कुछ? धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा बेटे अभी आपको. हाँ जी, बेटे कार्बन बीच वाला है, आसपास भी कार्बन लगे हुए हैं, सबकी एक जैसी पावर है, किसी की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, किसी की कम नहीं है. तो बीच वाले, जो बीच वाला कार्बन है, इधर भी कार्बन से घिरा हुआ है, इधर भी, कोई खींच नहीं रहा, बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो जीरो हो गया. बेटे ऑक्सीडेशन नंबर तभी अपीयर होना शुरू करते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. साइड वाले कार्बन देखो, चार बॉन्ड बने हैं, दो ऑक्सीजन के साथ, दो खुद की कार्बन के साथ. जो बॉन्ड कार्बन के साथ ही बने उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना इसको, जो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने हैं उससे फर्क पड़ेगा. ये जो दो बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, वो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इसके ऊपर माइनस टू चार्ज है तो इसके ऊपर प्लस टू हो जाएगा. सेम इधर, इसके ऊपर माइनस टू है तो इसके ऊपर प्लस टू. हाँ यहाँ करो, हम बैलेंसिंग करते हैं कल. हाँ ये रीजन है, जब हम अलग अलग निकालते हैं ये फ्रैक्शनल नहीं आता. अगर अलग अलग एटम्स का निकालो तो आपको अलग अलग अपीयर ही होता है, ठीक है. वो तो हम कलेक्टिवली निकालते हो तो आप हर कार्बन का ये बोल देते हो, मगर हर कार्बन का डिफरेंट है.